का हुआ है उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। हमारी पुलिस है, हम में से हैं और इसमें कोई फर्क नहीं है। ये जो धमाका हुआ है इसमें हमारे यार दोस्त रिश्तेदार जख्मी भी हुए हैं, शहीद भी हुए हैं। ये बिल्कुल हम पुलिस वालों के साथ खड़े हैं, हम बराबर के न सिर्फ गम में शरीक है बल्कि हम इफेक्टिव भी हैं, तो इसकी भरपूर मजम्मत कर। केयर टेकर गवर्नमेंट है और इलेक्शन का माहौल है, तो इस हवाले से दो चार बातें आपके सामने रखी थी। जो कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, गवर्नर साहब गुलाम अली साहब मेरे तो बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन इसलिए है कि या तो गुलाम अली साहब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है या फिर इस सूबे में गवर्नर राज है, इसलिए कि हर वक्त वो मीडिया और कैमरे के सामने होते हैं और केयर टेकर चीफ मिनिस्टर नज़र नहीं आते। जो गवर्नर का रोल है आपको पता है वो डिफरेंट है, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो ख़त लिखा है, पहले गवर्नर के पास आईनी इख्तियार क्या है? गवर्नर के पास आईनी इख्तियार ये है कि वो 90 डेज के अंदर तारीख बता सकता है और बताएगा। आर्टिकल 105 क्लास ए सब क्लास 3, वो ये गवर्नर की जिम्मेदारी है कि वो 90 डेज के अंदर तारीख बताए। आर्टिकल 105(1) बताता है कि आपको अगर चीफ मिनिस्टर एडवाइस ना भी करे आप अपने तौर पर तारीख बताएंगे। उसके बाद से यही आपका इख्तियार है, यही आपकी जिम्मेदारी है। उसके बाद से सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पे आ जाती है। जब इलेक्शन कमीशन पे आ जाती है तो अगर इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि हालात ठीक नहीं है तो ये फिर आला अदलिया ने फैसला करना है कि जब कंटेस्ट हो जाए कि आईन के मुताबिक क्या फैसला उन्होंने करना है। ये इख्तियार ना गवर्नर के पास है, ना गवर्नर मुशावरत की राय दे सकता है, ना मुशावरत सिक्योरिटी एजेंसीज की बात कर सकता है, क्योंकि अगर इलेक्शन की डिले होने की बात है तो ये इख्तियार सिक्योरिटी एजेंसीज के पास नहीं है। हाँ, अगर इलेक्शन कमीशन जस्टिफाई करना चाहता है कि इलेक्शन ना हो तो वो सिक्योरिटी एजेंसीज से इलेक्शन कमीशन राय मांग सकता है। ये काम गवर्नर का नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को ये एडवाइस करें कि वो सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मुशावरत करें। ये एक गलत एडवाइस है, कानून से मावरा है, कानून आईन की वायलेशन है, अपनी ओथ की वायलेशन है। ये बिल्कुल भी गवर्नर का इख्तियार नहीं है कि वो इस किस्म का लेटर लिखे या इस किस्म की एडवाइस करे या सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ एडवाइस की बात करे। गवर्नर का की जिम्मेदारी ये है कि वो 90 डेज के अंदर दिन बताएगा और इससे लेफ्ट राइट पर जाएगा तो ये ओथ और आईन दोनों की वायलेशन है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हुई हुई है। अब इसका फैसला आगे जाके होगा, अदलिया ऑफ कोर्स करेगा। मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने जो गलत एडवाइस दी है उस गलत एडवाइस के ऊपर मैं ये पूछता हूँ कि 2008 और 2013 में जो हालात थे, क्या आज के हालात उन हालात से बेहतर नहीं है? एक और बात जो टेररिज्म के हवाले से है, पीटीआई के 9 साल में हालात कैसे थे, आज हालात कैसे हैं, इसके बारे में मैं गवर्नर साहब को और फेडरल गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूँ कि वो असेंबली के अंदर एक मेंबर ने जब बात उठाई उसका जवाब दे, खैबर पख्तूनख्वा से एक मेंबर ने असेंबली के अंदर बात उठाई कि
पीडीएम की हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मैं समझता हूं कि सेनेट में मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने जो बात की है, हुकूमत इसका जवाब दे। जो अल जजीरा टीवी को अहमद वली ने इंटरव्यू दिया है, पीडीएम हुकूमत इसका जवाब दे। हम इसके बारे में बड़े क्लियर हैं, हमने नेटो का रास्ता रोका, हमने बाहर ममालिक के एजेंडे को इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया, हमने अपने मुल्क के इंटरेस्ट में पॉलिसीज बनाई, हमने अपने मुल्क के इंटरेस्ट में बात की, और इस वजह से इस मुल्क के अंदर अमन आया, इस तरह की दहशतगर्दी नहीं थी। अब ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये तो है ही इम्पोर्टेड, इनका तो अपना कोई है भी नहीं, इनके पैसे भी बाहर पड़े हैं, इनके फाइल्स भी बाहर पड़े हैं, ये डिक्टेट भी होते हैं बाहर से, ये उनके हाथों में खेलते भी हैं। तो जो मुल्क में इससे पहले बाहर का एजेंडा इम्प्लीमेंट होता रहा, दहशतगर्दी ने जन्म लिया। अल जजीरा टीवी को इंटरव्यू देते हुए अहमद वली ने कहा कि ये अमेरिकन माइंडसेट है जो यहाँ पर हालात ख़राब हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पीडीएम की हुकूमत, जिसको हम इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, वजह क्या है? क्योंकि इनका अपने इख्तियार है नहीं, इनके पास पैसे भी नहीं हैं, इनके ऊपर दोस्त ममालिक भी ट्रस्ट नहीं करते, इनके ऊपर ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी ट्रस्ट नहीं करते, इनको कोई खैरात भी नहीं देने को तैयार, लिहाजा ये इनकी मजबूरी है कि ये फॉरेन एजेंडे को इम्प्लीमेंट करें। ख़तरनाक इसलिए कि उसने खैबर पख्तूनख्वा के एनएफसी शहर के पैसों को जो है वो जोड़ दिया वॉर ऑन टेरर के साथ, कि ये सिर्फ पुलिस के लिए असला लेने के लिए थे। ये जो बार बार खैबर पख्तूनख्वा को इस्तेमाल किया जाता है डेड बॉडीज के वक्त पॉलिटिक्स करने के लिए, तो ये बड़ा खौफनाक काम है एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर को जिसपे इल्ज़ाम ये है कि वो छोटे सूबों को नहीं देखता, ये मुल्क को कमज़ोर करता है। आप सबको पता है सातवीं एनएफसी में जब ये एक्स्ट्रा शेयर खैबर पख्तूनख्वा को दिया गया, तो ये जो एक्स्ट्रा शेयर था उस वक्त एनएफसी मेंबर थे हाजी अदील, आज मेरे पास मिनट्स हैं, उन्होंने कहा कि ये तो कॉम्पेंसेशन है छोटी सी, खैबर पख्तूनख्वा जो लॉसेस सफर करेगा वॉर और टेरर में उसका एक छोटा सा हिस्सा है। उसमें ये भी लिखा है अवार्ड में कि जो एक्चुअल सिक्योरिटी कॉस्ट है वो सारी वफाकी हुकूमत देगा। ये तो प्रोसेस है ना, आपकी ख्वाहिश हो सकती है आप अपने प्रोसेस ख्वाहिश का इजहार कर दें, लेकिन आप कानून को आइन को आप अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ना इसका आज हक बनता था कि आज जाके ये वज़ीर आला हाउस में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। ये तो क्लियर कट पता चल गया कि ये पीडीएम ने अपने बी टीम बनाई हुई है और उसको यरगमाल बना दिया है वज़ीर आला को, तो हमें तो बड़ा शदीद तहफ़ुज़ात है इसके ऊपर। अब हम इससे क्या तवक्कु करने की, निगरान हुकूमत है, यानी गवर्नर जाके उस वज़ीर आला हाउस में बैठ के उसके साथ फिर इमरान खान के खिलाफ बातें कर रहा है, तो इसकी तो हम मजम्मत भी करते हैं। इसको हक किसने दिया है कि वज़ीर आला हाउस में जाके वहाँ निगरान हुकूमत बैठी है?